एटिक में क्रिसमस पार्टी। चलो देखते हैं। हाँ, अमेरिका में मेरी ने अपने एटिक में क्रिसमस पार्टी की, मुझे जलन हो रही है, कितना मजा आता होगा। सुनो तामा चंद, इसे देखो, एक एटिक में क्रिसमस पार्टी हो रही है। वाव, मजेदार लगता है। एटिक रूम में मजा आता होगा ना? हाँ, काश मेरे घर में भी एक एटिक रूम होता। मुझे भी वो पसंद है। तुम एक छोटे से विंडो से स्टार्स को देख सकते हो। लेकिन जैपनीज होम में हम एटिक में क्रिसमस पार्टी नहीं कर सकते। ये बस एक सपना ही रह जाएगा। मेरे घर में एटिक में एक स्पेस है, वो बहुत बड़ा है, उसका आधा हिस्सा अभी भी खाली है। सच में? सुनो हामा जी, चलो हम सब उस एटिक में क्रिसमस पार्टी करते हैं। क्या, क्रिसमस पार्टी? मैं घर आ गई। मम्मी सुनिए, हम सब हमाजी के घर पर क्रिसमस पार्टी करने वाले हैं। हमाजी के घर में एक एटिक है, तो हम उसे इस्तेमाल करने की परमिशन लेने वाले हैं। लेकिन इससे हमाजा के कुन के फैमिली को परेशानी नहीं होगी? मम्मी हम उन्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे, हम अपना खाना खुद ले जाएंगे, तो प्लीज आप कुछ अच्छा बना दीजिएगा। क्या, हमारे घर के एटिक में क्रिसमस पार्टी? ये सब क्या है, ऐसा कैसे सोच सकते हो? क्योंकि सब कहते हैं घर में एक एटिक होना बहुत ही कूल होता है। ये बिल्कुल भी कूल नहीं है, वो गलत सोच रहे हैं। अगर दोस्तों को यहाँ बुलाया तो हमारा मजाक बन जाएगा, इसलिए ऐसा मत करो। प्लीज मॉम, ऐसे मत बोलिए, प्लीज प्लीज प्लीज। ऐसा करना बंद करो। ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। थैंक यू सो मच मॉम। क्या सच में तुम्हें परमिशन मिल गई? हमाजी, तुम्हारी मम्मी को थैंक यू बोल देना। हाँ, आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। क्रिसमस पार्टी, क्रिसमस पार्टी। दीदी, हम हमाजी के घर पर एक क्रिसमस पार्टी करने वाले हैं। उसके घर में एक एटिक स्पेस है। सच में हमाजी का घर तो बहुत अच्छा है, मजे करना। योशिको सान का रूम भी एक एटिक है और वो बहुत फैंसी है। वो कहती है कि वो हर रात अपनी विंडो से स्टार्स को देखती है। हर रात स्टार्स को देखती है? लेकिन ऐसी जिंदगी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। दीदी, मैं चाहती हूँ कि अगले जन्म में हम किसी फैशनेबल फैमिली में जन्म लें। मैं तो इसी जन्म में एक अमीर इंसान से शादी करना चाहती हूँ। और अगले दिन तो आज 2 बजे मेरे घर आ जाना, बूतारो भी आ रहा है। सच में बूतारो भी आ रहा है? मैंने सुना कि तुम लोग एटिक में क्रिसमस पार्टी करने वाले हो। हाँ, ये तो बहुत ही फैशनेबल है। अगर तुम चाहो तो हमें ज्वाइन कर सकते हो। चलो ना। मुझे सोचने दो, आज मैं बिल्कुल फ्री हूँ। क्रिसमस पार्टी में एक फ्लावर बुके के साथ जाना सही रहेगा। मैं चाहूँगा कि तुम फ्लावर्स की जगह फूड आइटम लेकर आओ। ये बोलने में अजीब लग रहा है, लेकिन मैं हमाजी के साथ सहमत हूँ। अपने कितने सारे डोनट्स बनाए हैं? मुझे लगता है इतने में तुम सभी का हो जाएगा। हेलो दादाजी, मैं क्रिसमस पार्टी में जा रही हूँ, आपको ये ड्रेस कैसी लग रही है? क्रिसमस पार्टी? तब तो तुम्हें ये पहनकर जाना चाहिए। हा? तुम इन ग्लासेस के बिना क्रिसमस में मजे नहीं कर पाओगी। हा? देखो, इन ग्लासेस को पहनते ही तुम्हें अपने आप क्रिसमस की फीलिंग आ जाती है। अरे दादाजी, इन ग्लासेस में तो आप किसी महान इंसान की तरह दिख रहे हैं। ऐसा है क्या? मुझे तो सोक्रेटिस और प्लेटो की याद आ रही है। आप भी वैसे ही दिख रहे हैं। तब तो मैं थोड़ी देर के लिए इन्हें पहने रखता हूँ। मारुको, अब तुम्हें निकलना चाहिए। मैं तो डर गई थी, ये बड़ा अजीब है। क्या? हेलो, हम सब आ गए। अरे हमाजी कुन कहाँ है? तुम लोग मुझे ये बताओ कि एटिक रूम कहाँ पे है। मैं यहाँ हूँ, सीढ़ी से सीधा ऊपर आ जाओ। शायद मैंने जैसा सोचा था, ये उससे थोड़ा अलग है। ये बिल्कुल भी किसी वेस्टर्न स्टाइल एटिक की तरह नहीं है। अगर सोचा जाए तो मुझे नहीं लगता कि हमाजी के घर में कोई फैंसी एटिक रूम होगा।
मुझे लगता है मुझे अभी यहाँ से चले जाना चाहिए। हनावा फैमिली की छोटी मास्टर, इस जगह के लिए आई एम वेरी 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 सॉरी। ये जगह उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आप प्लीज ऊपर जाइए। अब मुझे हमाजी का घर बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे यहाँ का माहौल बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या तुम अपने घर के बजाय यहाँ रहना चाहोगे? अच्छा, तो प्लीज आप ऊपर जाइए। अरे नहीं, मुझे तो यहाँ से निकलने के लिए कुछ कहना था। हनावा कुन, जल्दी यहाँ आओ। तुम कहीं वापस घर जाने के तो नहीं सोच रहे हो ना? इतनी दूर आकर अब तुम वापस नहीं जा सकते। अब ऐसा मत बोलो, मैं भला घर क्यों जाऊंगा? मैं तो इसके बारे में सोच भी नहीं रहा था। मैं तो ऊपर चढ़ने वाला था। ये जगह मेरे हिसाब से तो ये कोई एटिक नहीं लगता। ये वैसा ही कुछ है, इसे हम स्टोरेज की तरह यूज करते हैं। इसके पीछे खाली जगह है। मैंने जो सोचा था ये तो उससे बहुत अलग है, लेकिन मेरे हिसाब से हमें ऐसा ही एक्सपेक्ट करना चाहिए था। हाँ, शायद ये अमेरिका की मेरी का घर नहीं है, ये जापान है और हम हमाजी के घर में है। मेरे पास यहाँ एक ट्री भी है। तुम्हारे ट्री में तो बहुत सारे मकड़ी के जाले हैं। सच में? ओए हनावा कुन, तुम्हारे सर पे एक मकड़ी का जाला है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो इसे भी एक डेकोरेशन का हिस्सा ही समझता हूँ। हनावा कुन, क्या तुम सच में इन मकड़ी के जाले को डेकोरेशन समझ रहे हो? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। शायद यहाँ आके हनावा कुन का दिमाग काम नहीं कर रहा। नहीं, यह जगह जैसे भी हो, मैं इस जगह के बारे में सोचकर दुखी होने के बजाय उल्टा एंजॉय करना चाहता हूँ। सिचुएशन जैसी भी हो, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, तभी लाइफ में मजा आता है। एक रिच फैमिली में जन्म लेने के बावजूद तुम्हारे ऐसे थॉट्स हैं, मुझे अच्छा लगा। हनावा कुन ने बिल्कुल सही कहा, हमें हमाजी के एटिक स्पेस के बारे में इस तरह से दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें तो इस अजीब जगह को और सुंदर बनाना चाहिए। मेरे घर के रूफ स्पेस ने ऐसी क्या गलती कर दी जो ये लोग इसे नरक कह रहे हैं? चलो मिलकर इस जगह को सजाते हैं। पहले हम चीजों को हटाकर स्पेस को बढ़ा करते हैं। आज तुम डिनर में क्या खाने वाले हो? कल का बचा हुआ सूप। शायद हनावा कुन के डिनर में बीफ स्ट्यू या फिर कुछ अच्छा होगा। शायद सुकिया की होगा। वो अपने फायरप्लेस के सामने एक रॉकिंग चेयर पे बैठ के एक अच्छी किताब पढ़ रहा होगा। हाँ, शायद। अरे, मैंने अभी अभी हमाजी के घर से हनावा कुन की आवाज सुनी। तुम्हें वहम हुआ होगा, ये हवा की आवाज लगती है। मुझे नहीं पता। भला हनावा कुन हमाजी के घर में क्यों आएगा? ये भी सही है। मजा आ रहा है, अब मुझे ये जगह अच्छी लगने लगी है। सच में अब यहाँ अच्छा लग रहा है। किसी को पता नहीं चलेगा कि ये टेबल एक कार्डबोर्ड बॉक्स से बना है जिस पर हमने एक पुराना कार्टून बिछाया है। लेकिन अब सब जानते हैं। हनावा कुन, ये मिठाई तो बहुत टेस्टी है। सच में बहुत अच्छी है। बहुत टेस्टी है। मैंने सुना रूफ स्पेस से कुछ अच्छी आवाजें आ रही है। ओ पापा, आप नोरिटा का अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर क्रिसमस पार्टी कर रहा है। क्रिसमस पार्टी, वो भी रूफ स्पेस पे? मुझे कैंडल लाइट पसंद है। हाँ। इससे एटमॉस्फेयर कितना सुहाना हो जाता है। ये कितनी सुंदर लग रही है, इसे देखने से मुझे एंजल्स की याद आती है। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, मुझे भी अच्छा लग रहा है। आज का दिन कितना अच्छा है ना बो? हाँ, सच में सब कितना एंजॉय कर रहे हैं। मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अरे, क्या किसी ने हमें बुलाया? अरे, यहाँ तो मैं आया हूँ। हाँ, दादाजी,
तुम लोगों को इस जगह में मजा कैसे आ सकता है? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो यहाँ कभी नहीं आता। मैं ऐसी गंदी जगह कभी पार्टी नहीं करता। मारो कॉके न्यू ईयर कार्ड्स, चलो देखते हैं। कितनी ठंड है, मैं घर आ गई। टेस्टी, मुझे हॉट चॉकलेट बहुत पसंद है। पता नहीं इस टेस्टी चीज की इन्वेंशन किसने की है। दीदी आपको हॉट चॉकलेट चाहिए? मुझे नहीं चाहिए, और तुम थोड़ा यहाँ से दूर रहो। आप कितनी मीन है, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अब क्या कर रही है, मुझे भी जरा दिखाइए। परेशान मत करो, मैं न्यू ईयर कार्ड्स लिख रही हूँ। मुझे दिखाइए। हैप्पी न्यू ईयर, हम इस साल भी बहुत मस्ती करेंगे। ये तो बहुत नॉर्मल है, ड्राइंग भी बड़ी अजीब है। हे, ऐसा मत बोलो। मुझे भी कुछ कार्ड्स दीजिए ना। जाओ मम्मी से जाकर कहो, ये सारे कार्ड्स मेरे हैं। तो मुझे भी एक कार्ड भेज दीजिएगा। तुम तो न्यू ईयर के बाद भी हमेशा मेरे सामने ही रहोगी, तो तुम्हें कार्ड देने का कोई मतलब नहीं है, तो फिर तुम्हें कार्ड क्यों दूं? मम्मी मम्मी, मुझे कुछ न्यू ईयर कार्ड्स चाहिए। तुम्हें कितने चाहिए? सिर्फ 50। तुम्हें इतने सारे क्यों चाहिए? देखिए मेरे भी तो कुछ फर्ज है। तुम अपनी बकवास बंद करो, मैं तुम्हें सिर्फ 25 कार्ड्स दे सकती हूँ। क्या 25 कार्ड्स? उससे तो नहीं होगा, मम्मी अब बहुत कंजूस है। तो तुम उन्हें रेगुलर पोस्ट कार्ड्स क्यों नहीं भेज देती? नहीं उससे नहीं होगा, न्यू ईयर के लॉटरी वाला स्पेशल कार्ड बहुत अच्छा होता है, उससे सबका न्यू ईयर अच्छा हो जाता है। ठीक है, तुम्हें जो अच्छा लगे कर। मैं कुछ नहीं कर सकती, जो भी हो मैं दादाजी से इंक और ब्रश लेकर लिखना शुरू कर दूंगी। शायद मुझे रेगुलर कार्ड्स यूज करने होंगे या खुद उन्हें पेपर से बनाना होगा। सबसे पहले मुझे हैप्पी न्यू ईयर लिखना चाहिए। ये ब्रश तो मुझे नर्वस कर रहा है। ये गिर गया। नहीं, लेकिन अब मैं क्या करूं? जो भी हो मुझे लिखते रहना चाहिए, इस ड्रॉप से मैं कुछ और बना सकती हूँ। हो गया। ये बहुत ही अच्छा बना है। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना है। मैं ब्रश से लिख नहीं सकती, इससे नहीं होगा, मुझे कुछ और यूज करना पड़ेगा। लेकिन मुझे क्या यूज करना चाहिए? सुनिए दादाजी, मुझे न्यू ईयर कार्ड्स लिखने का कोई इंटरेस्टिंग तरीका बताइए ना। तुम उन्हें इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इनविजिबल इंक से लिख सकती हो। इनविजिबल इंक? वो सच में गायब हो जाती है क्या? नहीं नहीं, तुम उसे ऑरेंज या एप्पल जूस से लिखोगी और हीट करने से वो दिखाई देंगे। वाह, चलिए करते हैं। क्या आप इसका जूस निकालने वाले हैं? हाँ, हमें इससे पहले जूस निकालना होगा। एक मिनट, पहले मैं एक बाइट लेना चाहती हूँ। मैं भी एक बाइट लेता हूँ। टेस्टी है। ठीक है, तो मैं ऑरेंज जूस से ट्राई करके देखती हूँ। और मैं एप्पल जूस से लिखता हूँ। कितनी अच्छी खुशबू है। क्योंकि ये 100% फ्रूट जूस है। मेरा हो गया। मेरा भी हो गया। लेकिन दादाजी, ये तो अभी भी दिखाई दे रहा है। नहीं, इसे मत देखो, तुम्हें ऐसे नाटक करना होगा कि ये इनविजिबल है। मम्मी मम्मी, तुम फिर आ गई। मम्मी मम्मी, मुझे इसे स्टोव से हीट करना है। मुझे भी। हाँ हाँ, लेकिन प्लीज जरा ध्यान से करना। पता नहीं हीट करने से ये कैसा दिखेगा। हाँ, शायद ये वैसा ही दिखेगा जैसा अभी दिख रहा है। पहले मैं करता हूँ। ये गलत है, गलत है। ये देखो। हाँ, मुझे दिख रहा है। देखो ये ड्राइंग कितनी सुंदर लग रही है। शायद कुछ चल रहा है। ओ,
इसमें तो आग लग गई। अरे नहीं, कोई पानी लाओ। तुम लोग क्या कर रहे हो? मेरी सुंदर ड्राइंग तो पूरी जल के राख हो गई। मैंने कितनी मेहनत से इतनी अच्छी ड्राइंग बनाई थी। अब आप लोग आग का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उसके बिना ये कैसे होगा? अब हम क्या करें? अब क्या करें? कोई दूसरा आइडिया सोचना पड़ेगा। मारुको का मन अब तक नहीं भरा। सुनो मारुको, एक आलू कैसा रहेगा? ठीक है, मैं खा लूंगी। नहीं नहीं, हम एक पोटैटो स्टैम्प बनाएंगे। एक पोटैटो स्टैम्प? देखो, मैं मम्मी से छुपा कर ये आलू लाया हूँ। अच्छा, मजा आएगा। ये तो बहुत अजीब लग रहा है। अब मैं क्या करूँ? बहुत अजीब है। वैसे ये है क्या? ये एक राइस केक है। ये अच्छा है, तुमने अच्छा बनाया है। दादाजी, आप प्लीज झूठ मत बोलिए। ये तो उत्तमोयान जैसा लग रहा है। उत्तमोयान? वो क्या है? कोई मिठाई है? इसे अगर यहाँ से ऐसे बना दे तो। इसे बिगाड़िए मत। देखो उत्तमोयान। दादाजी, मैंने आपकी बात सुनकर गलती कर दी। आपकी वजह से मेरे दो पोस्टकार्ड्स वेस्ट हो गए। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ और ट्राई करने का मन नहीं है। मारुको, तुम यहाँ आराम कर रही हो? तुमने न्यू ईयर कार्ड्स लिख लिए? नहीं मम्मी, मैं तो उसी के बारे में सोच रही थी। जब तुम उन्हें मेल करने जाओगी तो प्लीज मेरे कार्ड्स भी मेल कर देना। हाँ ठीक है, मेरे बैग में रख दीजिए। इसे भूलना मत। हाँ हाँ, चिंता मत कीजिए। मैं कुछ ना कुछ सोच तो सकती हूँ, लेकिन मेरा मन नहीं है। पता नहीं अभी मुझे आखिर क्या करना चाहिए। हाँ? एक आइडिया आया, इससे हो जाएगा। सुनिए दीदी, मैं आपका पेन ले सकती हूँ? इसे ठीक से यूज करना। ये आइडिया अच्छा है। अब ये मत कहना कि तुम फिर से एक अजीब सी ड्राइंग बनाने वाली हो। हो गया। हैप्पी न्यू ईयर। इस साल हम मजे करेंगे। तुम्हारी प्यारी दोस्त मारुको। ये लॉटरी वाले न्यू ईयर कार्ड्स टीचर्स और लड़कियों के लिए है, और ये जो रेगुलर कार्ड्स हैं, ये सब लड़कों के लिए है। ठीक है, अब हो गया। हाँ। मैं इन्हें जल्दी से मेल कर देती हूँ। अगर तुम मिस्ड पोस्टकार्ड्स पोस्ट ऑफिस ले जाओ तो तुम उन्हें एक्सचेंज कर सकती हो। सच में? तब तो मैं भी करूँगी। मैंने सभी एड्रेसेस सही से लिखे हैं ना? मिस्टर तोगावा का कार्ड मैं इसे अच्छे से नहीं लिख पाई, बस माउंट फुजी की पिक्चर है। कोई बात नहीं, मैं एक बच्ची हूँ, उन्हें ये अच्छा लगेगा। अगर मैं ज्यादा अच्छा लिख दूँ तो सबको लगेगा कि मैंने मम्मी पापा की हेल्प ली है, और वो चाहेंगे कि मैं अपना होमवर्क भी ऐसे ही लिखूँ, इससे प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। ये मेरे पोस्ट कार्ड्स का है मेल में। क्या मैं अपने मिस्ड पोस्ट कार्ड्स एक्सचेंज कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। ठीक है, तुम वो पोस्ट कार्ड मुझे दो। ये लीजिए। एक्सचेंज फी 4 येन है। क्या मुझे 4 येन देने पड़ेंगे? लेकिन मैं तो पैसे नहीं लाई हूँ। आई एम सॉरी, मुझे वो वापस कर दीजिए। इस कार्ड के लिए आज मुझे बहुत एम्बैरेसमेंट फील हो रही है। पोस्ट कार्ड्स मेल करने के 2 दिन बाद। साकुरा सान, सच कहूँ तो न्यू ईयर कार्ड के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या तुम्हें वो अभी ही मिल गया? क्यों? मुझे भी तुम्हारा कार्ड मिला। हाँ मुझे भी मिला। बो क्या, लेकिन न्यू ईयर तो अब तक नहीं आया, तो वो तुम्हें कैसे मिल गए? ए रुको, तुम लोग मजाक कर रहे हो ना? बेबी, तुमने न्यू ईयर कार्ड के इस पार्ट में कुछ नहीं लिखा है, इसीलिए वो रेगुलर मेल की तरह डिलीवर हो रहे हैं। समझी बेवकूफ?
अरे मैं तो सच में बहुत बड़ी बेवकूफ हूँ। तुम्हारे कार्ड के हिसाब से तुम इसी साल बहुत सारे मजे करना चाहती हो, क्योंकि 10 दिन के बाद ये पुराने हो जाएंगे। सच कहूँ तो इसका मतलब ये है कि हमें तुम्हारे साथ अगले साल मजे करने की जरूरत नहीं है। बेवकूफ मारियो कुन, आई हेट यू। तुमने मुझे बेवकूफ कहा? सच कहूँ तो मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तुम सबके साथ अगले साल भी मजे करना चाहती हूँ। जो भी हो, जो न्यू ईयर कार्ड्स मॉम ने मारुको को मेल करने के लिए कहे थे वो अब भी उसी जगह बिल्कुल वैसे ही पड़े हुए हैं। अब इन पोस्ट कार्ड्स को शायद न्यू ईयर खत्म होने के बाद ही मेल किया जाएगा।